हॉर्न सुनाऊं देन हेलो चेक आ रहा है अभी इसमें काम करूंगा तो ये पूरा प्लेन हो गया नो रिवर्व Hey guys, ये काफी तगड़ा स्पीकर आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ. ये है JBL का पार्टी बॉक्स 110. इसमें हमें दो सबवूफर्स मिल जाता है 5.25 इंच के, जो कि यहाँ पे है और एक यहाँ पे है. दो ट्विटर मिलता है 2.25 इंच के, जो कि एक यहाँ पे इधर है. और इसको ऑन करने के लिए आपको बस इसको एक बार प्रेस करना होता है और ये थोड़ा सा टाइम लेता है, बट ये ऑन हो जाता है. जैसे ऑन हो रहा है कनेक्ट भी हो जाएगा ये, क्योंकि ब्लूटूथ ऑन है मेरा. तो आज की जो वीडियो में हम इसका साउंड टेस्ट करेंगे, इसका रिव्यू देखेंगे पूरा डिटेल में, इसका ऐप के साथ कैसे यूज़ करना है वो भी हम देख लेंगे, और माइक का भी फीचर देखेंगे. सब कुछ डिटेल में रहने वाला है, तो वीडियो में बने रहना. अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और फॉलो करना इंस्टा पे, सबको मिल जाएगा. और इस प्रोडक्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, ज़रूर जाके चेकआउट कर लेना. सो हमारा इसमें जो ग्रिल जो दे रखा है, ये पूरा आपका मेटल का ग्रिल है, लाइक एल्यूमिनियम टाइप ग्रिल है, और मैटी फिनिश में आपको ये मिलता है. इसमें मैं लाइट्स की बात पहले ही कर दिया था. यहाँ पे हमें दो लाइट्स मिल जाते हैं जो कि ऐप से चलता है और वो आप कंट्रोल भी कर सकते हो वहाँ से. यहाँ पे JBL के ब्रांडिंग मिल जाती है. लाइट्स का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है. जैसे मैं इसको टर्न करूँगा तो आपको लाइट्स अलग अलग मिलेगी. मैंने अभी ऐप से इसको ऑन किया था इसलिए यहाँ पे दिख रहा है. जैसे चेंज करूँगा और भी कलर्स आएंगे. वैसे ही यहाँ पे हमारा एक आता है ऑप्शन ब्लूटूथ का, जिससे कि आप ब्लूटूथ को लाइक यूज़ कर सकते हो. उसी के साथ हमें इसमें मिलता है बेस बूस्ट का ऑप्शन, जिससे कि बेस और ज़्यादा इनहेंस हो जाता है, लाइक काफ़ी तगड़ा. तो इसमें एक तो ऑफ रहता है और एक बेस बूस्ट 1 रहता है, बेस बूस्ट 2 रहता है. सो 1 पे रखोगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा. देन उसके बाद प्ले पॉज के लिए हमें यहाँ पे मिलता है बटन, उसको आप प्ले करोगे पॉज करके हो जाएगा. देन इसका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए उसी में ही आपको टर्न करना है इसे. तो यहाँ पे लाइट्स में देख सकते हो, देखो मैं इंक्रीज करूँ, अभी ये फुल हो गया, ठीक है, फुल इंडिकेटर दिखा रहा है. अब मैं कम करूँगा तो यहाँ से कम हो जाएगा. काफ़ी बढ़िया फीचर लगा मुझे ये. उसके बाद यहाँ पे हमारा बैटरी का इंडिकेशन मिल जाता है, और बैटरी को चेक करने के लिए आपको इसमें लाइक कोई भी बटन दबा दो, या जैसे मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि बैटरी भी कितनी है. देन इसके ऊपर ही हमारा पावर का बटन आता है. ऑफ करने के लिए बस सिंपल है, यू हैव टू जस्ट क्लिक वन टाइम, ऐसे ऑफ हो जाएगा. ऑन करने के लिए भी आपको एक बार दबाना है, ऑन हो जाएगा, लेकिन ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है. ओके, नाउ इसका फ्रंट साइड हो गया, ऑन हो गया है. ये इसका साइड वाला साइड देख सकते हो, और इसका जो वेट है वो आपका 10 kg 800 g है. यहाँ पे इसका ये साइड लुक है कुछ. यहाँ पे रबर ग्रिप मिल जाता है, जिससे कि आप इसको लटा का भी लाइक रख सकते हो उसको, ठीक है. देन ये इसका पीछे का साइड, और पीछे हमें कुछ मिल जाता है फीचर्स वगैरह, वो बात करेंगे. और इस तरफ भी हमारा सेम रहता है, यहाँ पे भी सेम है. ओके, नाउ अबाउट बैक पैनल. सो बैक पैनल में यहाँ पे हमारा चार्जिंग का मिलता है केबल, जिससे कि आप केबल लगा के इसको चार्ज कर सकते हो और लाइक साउंड को बढ़ा सकते हो. मैं बताता हूँ क्या होता है. जब आप बैटरी में चलाते हो साउंड तो आता है, बेस भी सही आता है, बट जब प्लग करते हो और तगड़ा बेस आ जाता है, मतलब काफ़ी तगड़ा आता है. और इसका जो वाट है वो है हमारा 160 वाट. सो आपको ऐसा कुछ केबल मिल जाता है, ये मेरा दूसरा स्पीकर का है, बट सेम ऐसे ही रहता है, 2 पिन रहता है इसमें, तो ऐसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो. यहाँ पे इसका दिया रखा है कवर भी, और ये वाटरप्रूफ है आपका. ये IPX4 है इसमें, और यहाँ पे आपका बेस रेडिएटर मिल जाता है, और इधर हमारा बैक पैनल है. तो यहाँ पे मैं फटाफट आप लोग को समझा देता हूँ. इसमें हमें माइक एक ऑप्शन मिल जाता है, देन इसमें हमारा गेन का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद माइक इनपुट के लिए इधर है, और इसका वॉल्यूम यहाँ पे है. देन इसमें हमारा चार्जिंग के लिए लाइक पावर बैंक की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो. देन ऑक्स इन का ऑप्शन मिलता है, देन TWS का फीचर आपको इसमें मिल जाता है. अगर ऐसा और एक स्पीकर है तो आप कनेक्ट कर सकते हो. और ऑक्स आउट का यहाँ से आप ऑक्स आउट भी दे सकते हो 3.5 mm जैक का. देन यहाँ पे हमारा गिटार का जाता है, गिटार का वॉल्यूम, गिटार का गेन, और बस और कुछ नहीं मिलता इसमें. नेक्स्ट हमें यहाँ पे मिल जाता है हैंडल,
इसको होल्ड करने के लिए एक इस तरफ दे रखा है, एक इस तरफ दे रखा है, तो आप इसको इजीली ऐसे कैरी कर सकते हो। लेकिन जो कि काफ़ी हैवी हो जाता है, अगर ये यहाँ पे हैंडल होता तो अभी लाइक काफ़ी बढ़िया हो जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पे स्टैंड का सपोर्ट भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी एक बढ़िया चीज़ लगा मुझे। जो है ना ये कवर है इसका, ये ऐसे खुल जाएगा और यहाँ पे आप स्टैंड लगा के इसको स्टैंड पे लगा सकते हो। लाइक जैसे स्टैंड हो गया और भी काफ़ी कुछ चीज़ें होती है, जैसे माइक्स हो गए, वायर हो गए, इन सब के भी लिंक्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लेना। और यहाँ पे रबड़ पैड दे रखा है जिससे कि ये स्लिप ना करे। और यहाँ पे और एक चीज़ सही दी है, जैसे आपके पास टैबलेट है या फ़ोन है कुछ भी है तो आप इसको यहाँ पे रख सकते हो, ऐसे जैसे आपको रखना है, तो एक सही फीचर दे रखा। लेकिन इसमें हमें एक चीज़ है जो कि देना चाहिए, वो है ट्रॉली, नो ट्रॉली का फीचर भाई, ये तो देना चाहिए। क्योंकि वेट भी लाइक 10 kg 11 kg का है, 10 kg 800 ग्राम, सो 11 kg का है, तो उस हिसाब से ट्रॉली देना चाहिए तो इन्हें। और इसकी जो बैटरी बैकअप है वो भी काफ़ी सही है, 12 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है आपको इसमें। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको ये 8 घंटा या 9 घंटे का बैकअप देगा फुल वॉल्यूम पे, फुल वॉल्यूम से थोड़ा कम। और अगर आप 50 में चलाओगे तो आपको एक अच्छा खासा बैकअप मिल जाता है इस स्पीकर में। और इसी का एक अपग्रेड वर्जन है, वो है पार्टी बॉक्स 310, उसमें हमें 240 वॉट का मिल जाता है RMS, और आपको उसमें ट्रॉली भी रहता है, देन स्पीकर्स वगैरह सब थोड़े बड़े बड़े हो जाते हैं, और लाइक काफ़ी बढ़िया स्पीकर है वो भी, बट उसका वेट मतलब सब कुछ आपका लाइक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो वो भी आप देख सकते हो। और इसका प्राइस मैं आपको बता दूँ, इसका प्राइस अराउंड 29 तक आपको मिल जाएगा। अगर आप अमेजोन से लेते हो उससे आप डिस्काउंट भी ले सकते हो, तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, देख लेना। और अभी हम थोड़ा सा इसके ऐप के बारे में देख लेते हैं, देन उसके बाद साउंड चेक करते हैं। सो ये है ऐप का कुछ इंटरफेस ऐसा आता है, अभी ये सर्च कर रहा है प्रोडक्ट को, अभी हो जाएगा। सो इसका जो बैटरी जो है 95% दिखा रहा है, और वहाँ पे आपको कोई परसेंटेज नहीं दिखता, वहाँ पे बस एक बार टाइप रहता है, वहाँ पे आपको उतना ही दिखता है। नाउ उसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ फ्री स्टाइल्स वगैरह है, वो आप चेंज कर सकते। अगर मैं भी कुछ चेंज करूँ, चेंज हो रहा है यहाँ पे, कलर चेंज हो गए, तो जैसे आपको पसंद आता है आप वैसे कर सकते हो। देन इसके बाद यहाँ पे रॉक आ जाता है, देन फ्लो का आ जाता है, देन क्रॉस, काफ़ी सारे है इसमें, फ्लैश में सारे लाइट मतलब पूरा ग्लो करेगा ये, ठीक है। अभी हम इसको रॉक में रखते हैं। नाउ इसमें लाइट कंट्रोल्स आपको मिल जाता है, अब अगर मैं लाइट को ऑफ करना चाहता हूँ तो यहाँ से ये लाइट ऑफ हो जाएगी। मतलब इसमें तीन ऑप्शन है, एक तो ये है हमारा जो रिंग वाला है, ठीक है, ये है छोटे छोटे वाले जो देख रहे हो आप, गोल वाले जो है ये वाले हैं, और ये है फ्लैश लाइट, ये देखो फिर से जलेगा, ये नीचे भी जलता है, ठीक है। अगर हम तीनों को ऑन करना है तो ऐसे कर दो ऑन, सारे हो जाएंगे ऑन। ओके, उसके बाद आप चेंज भी कर सकते हो, कलर पिकर भी है यहाँ पे, अब यहाँ पे जाके कुछ भी कलर चेंज कर सकते हो। तो काफ़ी मतलब लाइक ऐप जो है ना काफ़ी ईजी टू यूज़ है, और एक बार देखोगे ना समझ में आ जाएगा। नाउ इक्वलाइजर, इसमें इक्वलाइजर हमारा लाइक जैसे हम कोई भी गाना वगैरह चलाते हैं उसमें हम लोग बेस, मिड और ट्रेबल सेट कर सकते हैं। अभी मैंने इसमें दो ऑप्शन बताया था बेस बूस्ट का, तो वही चीज़ इसमें है, डीप एंड पंची। तो जो ऑफ रहता है तो उस पर तो बेस आता ही है, बट आप अगर इसमें फर्स्ट वाला यूज़ करोगे तो काफ़ी बढ़िया मिलता है, और ये वाला मत करना, इसमें कुछ ज़्यादा ही इन्हेंस हो जाता है। देन यहाँ पे ब्लूटूथ का प्ले पॉज लाइक आप कर सकते हो इसमें, डीजे साउंड, ये काफ़ी मुझे बढ़िया लगा, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी सही है। जैसे मैं अगर हॉर्न सुनाऊं, देन लाइक ये सही है। रेडी। सो ऐसे करके आप कुछ भी गाने के बीच में ये चला सकते हो। ओके, नाउ इसमें कुछ बटन सेटिंग्स है जो कि आप इसमें लाइक चेंज वगैरह कर सकते हो। TWS फीचर भी है, SRX स्पीकर लगाओ तो वो आपका सेम कनेक्ट हो जाएगा और एक ही गाना दोनों स्पीकर में प्ले होगा। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस कैराओके फीचर। ओके, इसमें हमें कैराओके का फीचर्स मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया है, बेस, ट्रेवल एंड इको। इसमें इको लिखा है बट दिस इज़ नॉट इको, दिस इज़ अ रिवर्व, सो रिवर्व मीन्स ऐसा कुछ आपका साउंड करेगा, इको मीन्स हेलो 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 हेलो। तो इसमें आप अगर सुनोगे आई थिंक मे बी इन्होंने लिटिल बिट इको इफेक्ट दिया हो, बट ज़्यादातर रिवर्व का ज़्यादा साउंड आता है। ओके, सो इसमें बेस का एडजस्ट कर सकते हो, जैसे ही आप बेस करते हो ना
तो फ़ोन पे भी एक वाइब्रेशन होता है तो वो भी दे दो, ठीक है। और इसमें ट्रेवल का भी कम ज़्यादा कर सकते हो और इसमें इको का भी, ये हम चेक करेंगे अभी। ये हो गया हाउ टू यूज़ ऐप सकते हो, और यहाँ से आप पावर ऑफ भी कर सकते हो। मैं आपको दिखा दूँ ये पावर ऑफ का है, यहाँ से टर्न ऑफ कर सको कर दो तो ये ऑफ हो जाएगा। अभी हम इसमें माइक कनेक्ट करेंगे, लेकिन जेबल वालों को ना देना चाहिए था कॉर्डलेस माइक जो कि वायरलेस रहता है, वो देते तो काफ़ी बढ़िया होता। सो नाउ ये एक मेरे पास डायनेमिक माइक है हेडन का, और इसको मैं यहाँ पे, ये जो केबल है ये XLR टू TS केबल है, इनके लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे देख लेना। तो ये मैं यहाँ पे लगाता हूँ इसको। इसको कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली ये कराओके का फीचर मिल जाता है आपको बेस्ट, वहाँ पे लिखा भी होता ना, जिससे कि आप फ़ोन से कोई भी ट्रैक प्ले करो, इंग्लिश सॉन्ग जो भी आपका मन करे, और इसमें आप सिंग करो। इसमें तो सब कुछ है, गेन वगैरह वॉल्यूम वगैरह सब कुछ है। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है, चेक। हेलो हेलो, वाओ, हे हे, सही 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 आ रहा है। अभी तो इसको फ्रंट पे लेते हैं, यहाँ पे 50-50 कर दे क्या, गेन थोड़ा ज़्यादा हो और इसको भी यहाँ पे कर दे, ठीक है। सो मैंने अभी इसमें कनेक्ट किया है और काफ़ी बढ़िया रिवर्ब है इसमें, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जो ऐप का जो है ना फीचर, जैसे कैराओके का, हेलो चेक आ रहा है, अभी इसमें काम करूँगा तो ये पूरा प्लेन हो गया, नो रिवर्ब, हेलो चेक, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो जैसे देख सकते हो काफ़ी बढ़िया साउंड आ रहा है, और यहाँ से मैं दूंगा रिवर्ब, हाई हेलो चेक, हेलो चलो अभी हम इसमें बेस का टेस्ट करते हैं। तो अभी बेस और ट्रेवल जो है वो भी 50 में है, सो अगर मैं बेस कम कर दूंगा तो हेलो हेलो बेस कम हो गया, ज़्यादा कर देता हूँ हेलो 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 चेक हेलो हेलो, फ़र्क पड़ता है। तो और ट्रेवल का चेक हेलो हेलो, ट्रेवल भी सही फ़र्क पड़ जाता है, कम करना है तो कम कर दो। तो इसमें ट्रेवल ज़्यादा ही रखना पड़ेगा और बेस की ज़रूरत नहीं है। और अभी हम इसमें कोई गाना गा के देखते हैं, दूरी दूरी सही जाए ना, सही जाए ना, सही जाए ना। अभी मैं इसका ऑफ करता हूँ, और अभी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस माइक में लाइक कोई भी माइक लगाओ आप, क्या होता है जैसे आप कोई भी स्पीकर में माइक को ले जाते हो ना तो एक विसल होता है, बट इसमें नहीं होता, देखो होगा ये, देखो इतना पास ले गया मैं, ऑन है माइक, अब तो होगा कि साउंड दे रहा हूँ मैं, बट बिना उसके विसल ही नहीं होता। मतलब ये काफी बढ़िया फीचर लगा मुझे, मैं तो बोलता हूँ कि माइक को स्पीकर के सामने नहीं लेके जाना होता है, बट इसमें तो लेके जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा कुछ है, और यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैं बोल रहा हूँ कुछ, लाइट ऑन हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो ब्लिंक हो रही है, हेलो कैसे हो आप सब। तो ये कुछ इसका फीचर्स है, एक कैराओके के साथ गा के दिखा देता हूँ आप लोग को फटाफट। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो माइक को। अगर मैं आप लोग को दिखाऊं गिटार को कैसे यूज करना है, दिखा देता हूँ आप लोग को। अभी इसका वॉल्यूम 50 पे, बेस बूस्ट 1 पे है, है।
अभी हम इसको फुल करते हैं। तो ये इसकी साउंड क्वालिटी है भाई, काफी सही है भाई, बेस बहुत सही है। और हमने इसके साथ एक बैग भी बनवाया है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे, तो काफी अच्छा क्वालिटी का बैग ये है। और ऐसे बैग्स आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, वो आप वहाँ पे देख सकते हो, या तो आप बाहर से ही बना सकते हो। हमने ये 1500 का शायद बनाया, तो ऐसा कुछ है इसमें, चेन वगैरह सब मिलता है, वाटरप्रूफ है कुछ ऐसा है इसमें अंदर की तरफ। और ये इसका पीछे का यहाँ पे हैंगिंग करने के लिए भी दिया हुआ है, इस तरफ है, इस तरफ है, पीछे की तरफ। तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो। अभी हम बात करते हैं इसका साउंड क्वालिटी की। सच में भाई मस्त साउंड है, बिल्कुल मतलब पार्टी हाई लेवल पे कर देगा आपका। ये ऐसा स्पीकर है, मतलब बेस इतना स्ट्रॉन्ग है इसका, अगर आप कहीं बाहर भी करोगे ना इसका यूज़, वहाँ पे भी ये लाइक फाड़ देगा ये पूरा। ओके, और इसका जो लाइक फीचर्स वगैरह मुझे काफ़ी सही लगा इसमें। एक तो आपका रिवर्व का जो ऑप्शन दिया ये काफ़ी सही दिया है। देखो क्या होता है, बाकी जितने भी स्पीकर्स होते हैं उनमें आपको मिलता है इको का ऑप्शन, बट इसमें हमें इको तो नहीं मिल रहा, बट रिवर्व मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया ऑप्शन होता है, और रिवर्व आसानी से मिलता नहीं है, बट इन स्पीकर्स में आपको मिलता है, तो ये काफ़ी एक बढ़िया ऑप्शन रहता है। बट हाँ एक चीज़ है कि आपको इसमें कॉर्डलेस माइक नहीं मिलता, अगर वो मिलता तो काफ़ी एक बढ़िया होता। ओके, और बाकी इसका साउंड क्वालिटी मुझे काफ़ी सही लगा है। इसका जो हाइस, जो शार्पनेस है, इसका जो बेस तो भाई सच में काफ़ी सही है, हाइस तो है ही बट बेस काफ़ी तगड़ा वाला बेस है इसमें। अगर आप सुनोगे ना, मतलब यहाँ पे धिक धिक ऐसा करेगा साउंड। अभी अगर हम बात करें इनपुट्स की, तो इसमें दो इनपुट मिलता है जो कि ठीक है, बट रिवर्ब जो है ओनली एक ही इनपुट में आपको मिलता है, उसमें भी अगर हमें मिलता तो ऑप्शन सही रहता। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी सॉलिड है, मतलब इसमें प्लास्टिक यूज़ किया गया है, फ्रंट वाला तो ग्रिल आपका एल्यूमिनियम का मिलता है जो कि काफ़ी सॉलिड है, मतलब ऐसे दबाने से दबता नहीं है, और प्लास्टिक भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी का दिया। और इसमें और एक फीचर जो मुझे सबसे सही लगा वो है पावर बैंक। तो आप कहीं पर भी शो वगैरह कर रहे हो, कहीं पर भी ले जा रहे हो, चार्जिंग के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, चार्जर का लाइक वो ले जाओ, यूएसबी केबल ले जाओ, लगाओ, चार्ज करो। बैटरी बैकअप भी काफ़ी सही है इसमें, बैटरी का परसेंटेज भी आपको मिलता है जो कि काफ़ी एक बढ़िया ऑप्शन मिलता है। दो चीज़ में जेबल ठीक कर पाता वो है, एक तो ट्रॉली, इसमें अगर एक पहिया होता ना, दो पहिया होता है, तो एक काफ़ी सही होता है कैरी करने के लिए, ले जाने के लिए ऐसा करने, ठीक है। और हैंडल, हैंडल जो यहाँ पे देने से क्या हो रहा है कि वेट ज़्यादा हेवी लग रहा है, बट 11 केजी उतना भी वो नहीं है, बट इसमें जब आप साइड से पकड़ो, यहाँ से पकड़ोगे ना, तो लगेगा कि काफ़ी तगड़ा मतलब स्पीकर आपने होल्ड किया है। तो अगर ये हमें कुछ सेंटर में मिल जाता या साइड में मिल जाता तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता। बाकी तो ओवरऑल इस स्पीकर की क्वालिटी मुझे काफ़ी सही लगी है, आप इसको ले सकते हो, मतलब ऐसा डिसअपॉइंट नहीं करेगा कि भाई क्या ले लिया स्पीकर, इसमें मज़ा ही नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि तो बजट सही है तो आप 310 ले सकते हो, वो अराउंड 40 के अराउंड आता है, 40-41 के अराउंड आता है। बाकी तो बस यही है, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा इस प्रोडक्ट का रिव्यू, और मैंने आपको सब कुछ बता दिया इसमें, जैसे ऐप को कैसे यूज़ करते हैं, कैराओके का गिटार के साथ लाइव कर सकते हो, स्टैंड लगा के भी गा सकते हो, देन इसमें सॉन्ग का भी हमने टेस्ट कर लिया है, और फीचर्स वगैरह सब बता दिए। तो कुछ भी अगर लाइक आपको डाउट्स होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करने का ज़रूर कोशिश करूँगा। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे ज़रूर। ओके, आपको सब मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट कर लेना। और आज के लिए इतना ही, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टू लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर।